हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज देखिए हमने क्या बनाया है। दाल गोश्त। मेरी मम्मी के हाथ का बना हुआ दाल गोश्त और जीरा राइस हमारे घर में सभी बड़े मज़े से खाते हैं। सभी को बहुत पसंद है और जब भी बनता है तब पेट भर के हम सब खाते हैं। तो चलिए मम्मी से ही पूछते हैं इसकी रेसिपी। हम यहाँ हमने सबसे पहले 1 किलो गोश्त लिया है, इसको अच्छे से धो लिया है, साफ़ कर लिया है और इसको बड़े क्यूब्स में काट के रख दिया है हमने। इसी के साथ हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और इसे स्लाइस कर लिया है। 2 बड़ी इलायची ली है हमने, 10 लौंग लिए हमने, 2 चक्री फूल है, 10 इलायची है, 2 पीस दालचीनी के टुकड़े, आधा टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक। अब इन सभी चीज़ों को हम कुकर में डाल देंगे और 1.5 कप पानी के साथ इसे पकाएंगे। इसे सिर्फ 90% पकाना है हमें, बाकी का 10% ये मसालों के साथ पक जाएगा। हमें 5 से 6 सीटी लगे थे इसे पकने के लिए, आप अपने गोश्त के हिसाब से पका लेना। नेक्स्ट स्टेप में हमने 1 कप चना दाल लिया है और 1 कप से कम मसूर दाल लिया है। इन दोनों को हमने 1 घंटे तक पानी में भिगा कर रखा था और इसके बाद इसको कुकर में डाल दें और इसके साथ 4 कप पानी डालकर 1 टीस्पून नमक डालकर इसे 4 से 5 सीटी तक पका लें, जब तक दाल गल ना जाए। चलिए अब मसालों के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। मसाला बनाने के इंग्रेडिएंट्स, इसके लिए हमने 2 मीडियम प्याज बारीक कटे हुए लिए हैं, 4 मीडियम टमाटर लिए हैं, इनको चॉप कर लिया है, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट लिया है, 1.5 टीस्पून शाह जीरा लिया है, आधा टीस्पून हल्दी लिया है हमने, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 2 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर लिया है, 2 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्चों को हमने पीस लिया है, ये मिर्ची ज़्यादा तीखे नहीं है। 1 मुट्ठी धनिया लिया है और 1 मुट्ठी पुदीना लिया है हमने। अब हमने 1/2 किलो दुधिया लिया है और इसको बड़े बड़े पीसेस में काट लिए हमने और इसी के साथ हमें 1/2 कप इमली का पानी भी चाहिए। अब एक बर्तन गरम कर ले और इसमें 1/2 कप तेल डाल दें। तेल गरम होने पर इसमें हम 2 तेज पत्ता डालेंगे, जो मैं आपको बताना भूल गई थी, और हमारा प्याज डाल देंगे। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भून लेना है, इसके लिए 7 से 8 मिनट लगेंगे। आपको इसे भूनते रहना है, बीच बीच में इसको चलाते रहना है आपको। देखिए हमारा प्याज का रंग चेंज होने लगा है, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। और उसी के साथ हम शाह जीरा भी डाल देंगे इसमें और इसको 1 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। हमें इसे चलाते हुए ही इसे पकाना है, भूनना है और इसकी बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। अब देखिए 1 मिनट तक हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे और अपनी आंच धीमी कर लेंगे और उसी के साथ हम सारे सूखे मसाले डाल देंगे। आंच धीमी करना ना भूलिएगा वरना मसाले जल जाएंगे। अब इन मसालों को हमें 2-3 मिनट तक अच्छे से भून लेना है और भूनते हुए ही इसमें हमें बीच बीच में 1 से 2 टेबलस्पून पानी डालना है ताकि ये मसाले नीचे पकड़ ना ले और जल ना जाए। इसे हम बीच बीच में हिलाते रहेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए हम फिर से पानी डाल रहे हैं, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम टमाटर डालेंगे और उसको मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हम 1/2 धनिया जो काट के रखा था हमने और 1/2 पुदीना दोनों डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबको हमें ढक कर पकाना है और बीच बीच में खोल कर इसे हिलाते रहना है हमें, जब तक टमाटो मैश ना हो जाए। अब देखिए तेल ऊपर आ चुका है और कितना बढ़िया कलर लग रहा है इसका। टमाटर सारे मैश हो चुके हैं,
अब इसमें हम 1 टीस्पून नमक डाल देंगे। अब हम इसमें गोश्त डालेंगे, अनुसार डाल दें। देखिए हमने गोश्त को हमने 90% पका लिया है। अब ये सारा गोश्त हम मसालों में डाल देंगे और इसका जो पानी है वो हम बचा के रखेंगे, इसको हम बाद में डालेंगे। गोश्त को मसालों के साथ हमें 5 मिनट तक अच्छे से भूनना है। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है, ये मसाले सब गोश्त में मिक्स हो चुके, कंबाइन हो चुके हैं। देखिए तेल भी ऊपर आने लगा है। अब इसमें आधा कप हम इमली का पानी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं और गोश्त और मसाले सब अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम दूधी डाल देंगे और दूधी को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आती है दाल की बारी। देखिए हमारा दाल गल चुका है, अब इसको भी हम मसालों में ऐड कर देंगे और उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने जो गोश्त का पानी उठा के रखा था वो भी डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट और भी लाजवाब हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर ले और इसमें नमक डाल दें। नमक आप ध्यान से डालें, गोश्त के पानी में भी नमक था। और इसमें हम अभी 1 से 1.5 कप तक और पानी डालेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब इसे हम ढक देंगे और 10 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, जब तक दूधी पक ना जाए। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारा दूधी पक चुका है। देखिए हम आपको बताते हैं, बस अब इसे थोड़ी देर और हमें बॉईल होने देना है अच्छी तरह से। अब आती है तड़के की बारी। हमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून कश्मीरी चिली पाउडर डाल के इसे तड़का देना है। ध्यान रखें ये जले ना, एक बार मिक्स कर ले और इसे हम तड़का दे दें ग्रेवी को। तो बस हमारा दाल गोश रेडी है। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है, खुशबू भी इतनी बढ़िया आ रही है इसकी, मुँह में पानी आ रहा है। अब इसमें हम गार्निश कर देंगे, जो हमने धनिया और पुदीना उठा के रखा था उसे भी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और इसे जीरा राइस के साथ आप ट्राई करें, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा आपको कैसा लगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे हमें लाइक ज़रूर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे रेसिपी को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।